हेलो गाइस, मैं अंकुर आप सभी का दोस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में गाइस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं सारे करंट ऑनगोइंग एंड अपकमिंग आईपीओस के बारे में, चाहे वो मेन लाइन के हो जैसे टाटा टेक्नोलॉजी हो गया, एएसके हो गया, प्रोटियन हो गया या फिर ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस। एंड इसका आपको अलॉटमेंट रिलेटेड एक मेजर अपडेट भी देने वाला हूँ। इन सबके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन डिटेल और सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। साथ में कई एसएमई कैटेगरी के आईपीओ, चाहे वो रॉक्स हो गया या फिर बाबा फूड और जितने भी एसएमई कैटेगरी हैं, उन सबकी भी डिटेल्स आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके और आप इस जानकारी का फायदा उठा सको। एंड गाइस, आपको मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया, रॉक्स का हमने डाल दिया है डिटेल रिव्यू, बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर देख लेना। तो चलिए अपनी डिटेल्स हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर पे अपकमिंग आईपीओ के लिस्ट से। यहाँ पे गाइस तीन मेन लाइन आईपीओस फाइनल से ही समझो, डिटेल जो है वो टेंटेटिव है, लेकिन यहाँ पे ये आईपीओस आने वाले ही हैं। गंधार ऑयल जिसका टेंटेटिव डेट है 23 से 27 नवंबर, करीब 500 करोड़ का आईपीओ ये हो सकता है। दूसरा जो आईपीओ गाइस वो है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, 22 से 24 नवंबर की डेट हो सकती है, करीब 1100 करोड़ का आईपीओ हो सकता है। एंड गाइस ये सारी डिटेल्स हम न्यूज चैनल पे शेयर करते हैं, सब्सक्रिप्शन डिटेल सारा कुछ, तो आपको ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में दो नंबर का लिंक, जिससे आप आईपीओ की न्यूज़ के साथ साथ मार्केट की हर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहने वाले हो। तीसरा गाइस टाटा टेक्नोलॉजी, ये आईपीओ 21 से 25 के बीच में डेट आ सकता है। मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें आरएसपी फाइलिंग की डेट आई है, ठीक है, आरएसपी फाइल होने के जस्ट एक हफ्ते बाद आईपीओ आ ही जाता है। तो अगर आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना चाहते हो, देखो यहाँ थंबनेल लगा दिया मैंने, ये वाली वीडियो जाके देखना, आप सब कुछ समझ जाओगे उस वीडियो को देखने के बाद। तो ये तीन आईपीओ गाइस नवंबर में आ सकते हैं, जिनकी डिटेल्स हमने न्यूज चैनल पे डाल दी थी। अभी यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजी का जो है सिर्फ ग्रे मार्केट में निकलता दिख रहा है 270 रुपए का, बाकी इन दोनों कोई भी डिमांड नहीं है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट आईपीओ की बात कर लेते हैं, ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट चेंज हुआ, आपको पता है पहले 10 तारीख था, अभी 8 को हो चुका है, तो आईपीओ कंफर्म हो चुका है। क्रेडिट डेबिट मैसेज भी आना स्टार्ट हो चुका है, तो आप में से किन लोगों को क्रेडिट डेबिट मैसेज आया बताना जरूर। ये हमारे मेंबर वैभव जी ने हमें सेंड किया, ठीक है, और इसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि 15,000 रुपए रिमूव हुए हैं। तो अगर जो आपको मैसेज आया है तो कमेंट करके बताना, और अगर जो नहीं आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अलॉटमेंट जब भी आएगा, आज के दिन ही आने के चांसेस 99% है, आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा, साथ में न्यूज चैनल का भी जो मैंने बताया, इसका लिंक नंबर एक पे मिल जाएगा और उसका नंबर दो पे। यहाँ पे आपको कॉल्स लेवल्स मिल जाती है, जैसे इंट्राडे कॉल, स्विंग कॉल, पोजिशनल कॉल, निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल, ये सारी चीजें, और नंबर दो वाले पे सिर्फ न्यूज मिलती है, ठीक है। तो अगर जो आपको ये बेनिफिट्स पाने हैं तो नंबर एक वाला लिंक ज्वाइन कर लेना। एंड हाँ, अगर जो आपको मैसेज नहीं आया है तो ध्यान देना, सिर्फ 1% को आता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको मैसेज आए तभी अलॉटमेंट मिलेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, जैसे मुझे भी मैसेज नहीं आता कभी, लेकिन अलॉटमेंट मिलता है, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। करंट में गाइस ग्रे मार्केट की बात करें तो हमें 21-22 रुपए के पास डिमांड निकलती हुई दिख रही है। नेक्स्ट आईपीओ गाइस प्रोटीन टेक्नोलॉजी है, यह आईपीओ क्लोज हो चुका है। आईपीओ का जो अलॉटमेंट डेट है वो 13 और 17 को इसकी लिस्टिंग डेट रहने वाली है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 23.86 टाइम टोटल सब्सक्राइब हुआ है। यहां पे गाइस ग्रे मार्केट की बात करें तो हमें जीएमपी कम होता दिखा, और अभी करंट में जीएमपी 75 से 80 रुपए के बीच में निकलता दिख रहा है, जो कि 80 से 85 की डिमांड में थी, लेकिन 79-78 तक मैक्सिमम लोवेस्ट जो डिमांड थी, अभी इसने एक लो बना लिया मान लो 75 का, मतलब फिर से ये आईपीओ का जीएमपी गिरा है। नेक्स्ट है एएसके ऑटोमोटिव, इस आईपीओ का कल है लास्ट डेट, यानी कि 9th को, इसके ऊपर हमने एक वीडियो डाल दिया, यहाँ थंबनेल लगा दे रहा हूँ कि आईपीओ अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या रिस्क फैक्टर है, क्या सेफ फैक्टर है, सब कुछ मैंने बता रखा है, तो जाके वीडियो आप देख सकते हो। करंट में गाइस ग्रे मार्केट राउंड की बात करें एएसके की, तो हमें इसका भी डाउन होता हुआ दिखा है, 47-48 रुपए पे अभी ये रुका हुआ है। इसके हिसाब से करीब 17% गेन था, जो कि 50-51 रुपए तक की डिमांड में था, ठीक है। तो यहाँ पे एएसके का और प्रोटीन का दोनों का जीएमपी डाउन हुआ है, ठीक है। अगला जो आईपीओ गाइस वो एसएमई कैटेगरी में से है, यहाँ पे मेन लाइन सारे आईपीओस खत्म हो चुके हैं, टाटा के मैंने पहले आपको बता दिया था। माइक्रोप्रो सॉफ्टवेयर, इसका अलॉटमेंट थोड़ी देर पहले ही आया है, जाके आप चेक कर सकते हो। माइक्रोप्रो के ग्रे मार्केट रूम की बात करें तो हमें 4-5 रुपए शेयर देखने को मिल रहा है, जिसके हिसाब से 6-6.5% गेन होता है। बाबा फूड की बात करें गाइस तो इसमें हमें 15-16 रुपए की डिमांड निकलती दिख रही है, जिसके हिसाब से करीब 16-17% गेन अप्रॉक्सिमेटली होता है। सनरेस्ट लाइफ साइंस की बात करें गाइस तो यहाँ पे हमें 16-17 रुपए डिमांड निकलती दिख रही है, जिसके हिसाब से करीब 20-21% गेन होता है। रॉक्स हाईटेक जिसका डिटेल रिव्यू हमने थोड़ी देर पहले डाला है, इस आईपीओ में करीब 85-90 रुपए की डिमांड निकलती दिख रही है, जिसके हिसाब से देखा जाए तो करीब 108% गेन होता है, तो इसका डिटेल रिव्यू जाके जरूर आप देख लेना। कल्याणी कास्ट टेक की बात करें गाइस तो आईपीओ 8th को ओपन हो चुका है, 10th को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का जो जीएमपी है वो 50-51 रुपए देखने को मिल रहा है, इसके हिसाब से करीब 36-37% गेन होता है। एंड गाइस इसके साथ ही लास्ट था एसएमई कैटेगरी का ये आईपीओ कल्याणी, अभी कोई भी डिटेल्स नहीं है, जैसे ही आएंगी आपके साथ हम साझा कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने मेन लाइन एसएमई अपकमिंग सब कुछ आपको बता दिया है, कुछ आपको लगता है कि मुझे ये पूछना है कमेंट में से पूछ सकते हो। मिलते अगली वीडियो में, करते हुए प्लीज टेल दिस टू वेल्दी एंड बाय फॉर नाउ।